गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI247 पर। और कल हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन का पार्ट वन डिस्कस किया था और उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। जिन लोगों ने भी पार्ट वन नहीं देखा हो वो जाकर पहले पार्ट वन देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से। ये होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से अब बनते हैं और आते भी हैं, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ना सिर्फ ITI में बल्कि कंपटीशन में भी इसका बहुत तो पूछा जाता है और बहुत सीधा 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 क्वेश्चन आता है। पहले तो ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। ग्रीन हाउस को हम लोग हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती। अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया है उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। और ये चीज आप याद रख लीजिएगा कि जो ग्रीन हाउस होती हैं गैसें, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें सबसे पहले जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरा जो होता है जल वाष्प होता है, तीसरा मीथेन होता है, चौथा ओजोन और पांचवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है, और इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लॉफिंग गैस भी बोला जाता है, हंसने वाला गैस N2O को बोलते हैं। ठीक, अब इस चित्र के माध्यम से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है, भूल जाता है बार बार, इसका मैं उपाय बता दूंगा आज, कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में आपको ग्रीन हाउस गैस है। पहले उसको समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से कि होता क्या है ये। एक्चुअली जो भी ये गैसें ऊपर मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाई हैं, ये जितनी भी गैसें होती हैं ये पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होता है उस पर एक आवरण बना लेती हैं। ये एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो अन्य गैसें हैं ये सब एक प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं जो पृथ्वी के एक वायुमंडल पे, वायुमंडल के आसपास एक परत बना लेती है। जैसे इस फिगर के माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पे ये जो परत ये बनाया गया है ये एक्चुअली इन्हीं गैसों का परत है। ये परत बन जाने से एक चीज जो होती है मैं बता दूं, ये जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये उष्मा को अवशोषित करने वाला गैस होता है। तो आप समझिए जब सूरज से ऊर्जा आती है पृथ्वी पे तो कुछ ऊर्जा पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाती है और कुछ पृथ्वी की सतह से होकर परिवर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये जो चीज यहाँ पे लिखा गया है वही लिखा है, सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होता है, जो ये परावर्तित होता है, तो ये जो आवरण होता है गैसों का वो इन गैसों को जो ये आवरण होता है गैसों का इन जो ये जो परावर्तित किरणें हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, ये जो एरिया का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। अगर ये सतह न होता तो ये जो परावर्तन हो रहा है सूरज की किरणों का वो परावर्तन हो जाता और पृथ्वी की सतह उतनी गर्म नहीं होती। तो अगली चीज यहाँ पे लिखी है, CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमोसफियर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म। ये यही चीज लिखा गया है यहाँ पे कि CO2 और अन्य जो गैसें होती हैं वो एटमोसफियर में जो किरणें होती हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, ये जो चीजें हैं ये ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ को, जो पृथ्वी को, उसको गर्म कर देती हैं। अब ये बहुत ही हानिकारक है अपने इस पर्यावरण के लिए, ये जितने भी गैसें हैं, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, औद्योगिकरण जितना हुआ है तो उसमें जो जितने भी गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो हमें कम से कम जो औद्योगिकरण है वो शहरों से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो हम लोग मोटर वाहन और गाड़ियां यूज कर रहे हैं तो हमें इनको कम से कम यूज करना चाहिए, हमें ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए। जितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा जो गाड़ियां होती हैं उसका प्रयोग ज्यादा होता है। तो अब ITI की दृष्टि से आपको इसमें महत्वपूर्ण क्या है, एक तो आप समझ गए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक टू लर्न ग्रीन हाउस गैस, कभी भूलेगा नहीं, बस आप एक चीज ये सेंटेंस याद रखिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना। मैंने भी याद किया था बचपन में, हम लोग बहुत ट्रिक बनाते थे, जैसे मैथ में लाल बट्टे का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे और भी बहुत सारे मैंने ट्रिक्स बनाए थे, तो ये जिंदगी में वो कभी भूलता नहीं है।
और ऐसे चीजें हम लोग भूल जाते हैं। मैं खुद ये मैं भूल जाता था जब मैं कंपटीशन का एग्जाम देने तैयारी करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मैंने भी ऐसे ही याद किया था, ओ मीना कल काजल लगाना, ये कभी नहीं भूलेगा, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ का मतलब है ओजोन, अब मी का मतलब है मीथेन, ना का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, कल का मतलब है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, और का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का मतलब है जलवाष्प। तो ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, दो तीन बार आप लोग अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो जिंदगी भर आपको कभी भूलेगा नहीं। एक चीज मैं यहाँ पे, दो चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसको हम लोग लॉफिंग गैस बोलते हैं, हंसने वाला गैस, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको N2O बोलते हैं, N2O, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो होता है गैस, ये गैस हमारे फ्रिज में पाया जाता है, तो कभी कभी पूछ जाता है रेफ्रिजरेटर में पाए जाने वाला, रेफ्रिजरेटर या एसी से जो गैस निकलती है, हानिकारक गैस होती है ये, एसी या रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है उसका क्या नाम है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, तापमान में बढ़ने के कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विदेशों में या अपने ही देश में कभी कभी बहुत बड़े बड़े चक्रवात या बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो ये सब किससे होती है, ग्लोबल वार्मिंग की, बिन मौसम बारिश का होना, तेज आंधी तूफान का आ जाना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और इसके जो मुख्य कारण है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का इत्यादि गैसों का बढ़ना है। ये सारी गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक हैं। जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो सारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक हैं। उसके अलावा भी और जितनी भी हानिकारक गैसें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक हैं। पेड़ों का काटना, जैसे ही हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर कम होती है, CO2 बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये कैसे बढ़ जा रहा है, ठीक वही चीज होगी। ये जो CO2 यहाँ पे मेन कारक होती है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में, CO2, मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया, CO2 जो होता है वो ऊष्मा को अपनी तरफ सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो लेयर बनी हुई है, इस लेयर के अंदर ये जो जितने भी पॉल्यूशन देख रहे हैं आप, चिमनियों से निकल रहे हैं, गाड़ियों से ये धुआं निकल रही है, सब CO2 निकल रहा है। अगर यहाँ पे CO2 बढ़ता जाएगा तो अब ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है, देखिए यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी को क्या कर लेगा, अपनी तरफ, ये ऊष्मा ही है, रोशनी क्या होती है, ऊष्मा का एक भाग है, तो ये ऊष्मा को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा। मतलब ये सारी रोशनी को, सारे एनर्जी को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या होगा, जो इसके आसपास के जो कण होंगे और जो हवा होगी वो उसको गर्म कर देगा। इससे क्या होता है, इस एरिया का पूरा तापमान बढ़ जाता है, और इसके बढ़ जाने से ही इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली चीज हम लोग देखते हैं एसिड रेन, इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले होता क्या है, और अच्छा इसके पहले ये जो मैंने अभी बताया आपको ग्लोबल वार्मिंग, इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो फैक्ट्रियों को शहर से बहुत दूर स्थापित करके, और गाड़ियां जो हैं इसका कम प्रयोग करके, और पेड़ को अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इसीलिए हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को, कि अधिक से अधिक हम लोग पेड़ यहाँ पे लगाएं पृथ्वी पर, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें। पेड़ क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, तो जब CO2 ले लेंगे वातावरण में, जितने भी CO2 है अगर वो पेड़ ले लेंगे, तो हमारे पृथ्वी पर CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी ऊष्मा जो पृथ्वी से टकराती है वो लौटकर पुनः वायुमंडल से ऊपर चली जाएगी, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो होती है ये मुख्यतः दो, ये जो ऑक्साइड है, एक होता है सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, N2O वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा,
ओ मीना कल काजल लगाना में जो ना है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। एनओ टू जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण जो निकलता है फैक्ट्रियों से निकलता है, एनओ टू और एसओ टू। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इस फिगर के माध्यम से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो डायग्राम है यहाँ पे समझिए, ये जो NO2 है और SO2 है फैक्ट्री से जैसे निकलता है तो हमारे जो ये बादल होते हैं एक्चुअली ये एक जलवाष्प के ही रूप होते हैं, तो इसमें H2O पाया जाता है, जल होता है, H2O को बोलते हैं हम लोग जल। तो ये जल से क्रिया करके, अगर NO2 और SO2 जो होते हैं जल से अलग अलग क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2SO4, ये जो होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये जो जल से क्रिया कर लेते हैं और जब बारिश होती है तो ये एक अम्लीय रूप होता है, ये जो बारिश होती है वो अम्ल के रूप में होती है और ये बहुत ही खतरनाक बारिश होती है। ये जो बारिश होती है उससे किसानों के फसल और पेड़ सब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एसी ड्रेन बहुत ही खतरनाक है और अगर ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा पृथ्वी का तो आने वाले दिनों में हम लोग बारिश को तो भूल ही जाएंगे, एसी ड्रेन ही होगा। ठीक है, तो आप इसका खासा ध्यान रखें, इसको भी कम कैसे कर सकते हैं, हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। आईटीआई की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी ड्रेन में कौन से गैस जिम्मेदार होते हैं, तो आपका जवाब होगा एसओ टू और एनओ टू, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला हम लोग देख लेते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन की एक परत है, यह हल्के नीले रंग की गैस होती है। इसकी परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको बताया था ये जो परत होती है पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का देखिए सतह है और इस सतह के ऊपर जो ये एक मैंने जो ये बताया था ये जो क्षोभ मंडल होता है, इसको इंग्लिश में ही हम लोग ट्रोटोस्फियर बोलते हैं, आप हिंदी में या इंग्लिश दोनों में भी याद रख सकते हैं, इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो ये जो लेयर आपको देख रहे हैं आप लोग, ये समताप मंडल होती है। तो ये जो समताप मंडल होता है, इसी समताप मंडल में ओजोन परत की ये हल्की नीली परत आप लोग देख रहे हैं, यही क्या है, ओजोन लेयर है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण काम ये है, इसको सबसे पहले तो ये O3 होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो ये सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं यूवी रेज बोलते हैं उसको, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं उसको पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बड़ा ही खतरनाक किरण होता है, ये हमारे शरीर पे अगर डायरेक्ट पड़ जाए तो बहुत ही विकृतियां पैदा कर देता है। तो ये जो यूवी रेज होता है वो O2 O3 से क्रिया करके, ओजोन से क्रिया करके ये आपका जो ले जो एक तरीके से फिर से O3 का निर्माण, ऑक्सीजन का और O3 का निर्माण कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का ये दो अणु एक ऑक्सीजन से मिलके फिर से O3 का निर्माण कर लेते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि ये जो यूवी रेज है वो O3 से मिलते ही वहीं पे घुल मिल जाता है, मतलब इस परत में नहीं आ पाता है, मतलब O3 हमारे जीवन को बचाने में बहुत ही सहायक है। ठीक है, तो अब इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है एक गैस, वो गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जिम्मेदार है ओजोन लेयर के होल करने में, ओजोन लेयर को जो एक होल छिद्र जो कहा जाता है, ओजोन छिद्र एक स्थापित हो रहा है अंटार्कटिका पर, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा होता है जब भी क्लाइमेट चेंज का बैठक होता है अमेरिका में, वाशिंगटन में, या विश्व के किसी अन्य कोने में जब राष्ट्रों के अध्यक्ष मिलते हैं तो ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक होता है ओजोन छिद्र ओजोन होल। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये इसमें क्या करता है,
ये आकाश में जो बादल होते हैं, हिमकण होते हैं, उनसे क्रिया करके क्लोरीन बना लेता है, और यही क्लोरीन यहाँ पे आपके ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन की ऑक्साइड बना लेता है। मतलब ये कि वो ओजोन के लेयर को खत्म कर देता है, क्लोराइड जो क्लोरीन होता है वो ओजोन को खत्म करता है, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक गैस है जो ओजोन के लिए हानिकारक है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल में मत जाइए आप लोग। आईटीआई की दृष्टि से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। पहला, ओजोन लेयर जो होता है वो क्या करता है, तो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों की रक्षा करता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने वाला गैस कौन सा है, तो उस गैस का नाम है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और तीसरा जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन को ही हिंदी में हम लोग क्षरण बोलते हैं, मुख्यतः सीएफसी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सीओ गैस जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये दो गैसें मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, काफी टाइम हो गया है, और बाकी जो क्लास है उसको हम लोग, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं उसको, क्यों हम लोग इसको छोड़ें, फिर अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ऊर्जा के स्रोत, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूं, वरना हम लोग अगली क्लास में ही करते हैं। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, पहली बात तो ऊर्जा जो होती है उससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लिया तो आप इसको जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको समझ लेंगे। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो हम लोग सदियों से यूज करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत मतलब जो वैकल्पिक ऊर्जा होती है, जिसका यूज हम जब ये ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो तब इसको हम विकल्प के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आज आज के टाइम में हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ये वैकल्पिक ऊर्जा है। कभी कोई पूछ देता है कि वैकल्पिक ऊर्जा कौन सी है, तो सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा है, जल ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा है, ये विकल्प के रूप में है। और इधर की जो ऊर्जा है, जैसे लकड़ियों का जो हम लोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग सदियों से करते आ रहे हैं, पुराने जमाने में लकड़ियों से खाना हम लोग बनाते थे, तो ये ऊर्जा का एक साधन था। और परंपरागत ऊर्जा में और क्या आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस और कोयला आते हैं, और लकड़ियों से कोयला भी बनता है। इसलिए ये जो परंपरागत ऊर्जा है ये सदियों से यूज होते आ रहे हैं। तो ये आप लोग अंतर समझिएगा, यहाँ से इसको रट लीजिएगा, डायग्राम बना दिमाग में बसा लीजिएगा, क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस लकड़ियां, ये परंपरागत ऊर्जा है। बाकी जो ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा जो जल से ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा, विंड मिल देखा होगा कई जगह बने होते हैं, तो ये पवन की ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा मतलब पृथ्वी से जो ऊर्जा हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग भूतापीय, जैसे थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं। जैव ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और गोबर गैस, ये जैव ऊर्जा जो होती है वो जैविक, जैसे गोबर गैस होता है वो जैव ऊर्जा का एक उदाहरण है। सागरों से जो ऊर्जा, ज्वार भाटों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको हम लोग महासागरीय ऊर्जा कहते हैं, और परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम, इसमें यूरेनियम यूज होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम। यूरेनियम सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। परमाणु बम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे डिस्कशन करने के लिए, तो बहुत सारा इसमें टॉपिक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आईटीआई के दृष्टि से, मैंने उसको यथासंभव मैक्सिमम चीजें यहाँ पे सम्मिलित की हैं, और आने वाले वीडियोज में जो मैं इसमें बनाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो न सिर्फ आईटीआई के एग्जाम के लिए, बल्कि आप अगर कोई और भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको जीएस की दृष्टि से बहुत ही, ये वीडियोज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी जो इसका तीसरा पार्ट है कल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें काफी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपसे निवेदन यह है कि इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके स्क्रीन पे अभी आपके बाएं तरफ आपको आईटीआई का, आईटीआई 247 का जो लोगो दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक लोगो आपके दाहिने तरफ जो दिख रहा है, इसमें आपका पूरा प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी सीरीज का, तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वीडियो देख लें, और दूसरे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।